सबसे पहले नमस्कार। मैं अपने इस चैनल द्वारा होम्योपैथ मेडिसिन द्वारा हर बीमारी का एकदम सरल इलाज बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं पर डे एक एक बीमारी को लेकर आऊँगा और उसका विस्तार से उसके मेडिसिन के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं फीवर, जिसको ज्वर और बुखार भी कहा जाता है, उसके बारे में होम्योपैथ के द्वारा हम किस तरह से आसानी से, कोई भी व्यक्ति आसानी से उसका उससे इलाज कर सकता है। तो सबसे पहले हमको ये जान लें कि बुखार, जिसको फीवर बोलते हैं, वो है क्या। शरीर के अधिक गर्म होने पर या शरीर का तापमान बढ़ जाए और उसमें अगर हम थर्मामीटर लगाएं तो 99 डिग्री से अधिक ताप दिखने लगे तो हम उसको ज्वर कहते हैं। ज्वर अपने आप में कोई रोग नहीं है, यह हमारे शरीर के आंतरिक अंदर के अनेक विकारों का प्रभाव होता है जो हमें ऊपर बुखार के रूप में दिखता है। यह शरीर से अगर हम अधिक श्रम कर ले, सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ जाए या शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए, उसके चलते ज्वर हो जाता है। कभी कभी वायरल फीवर तो कभी मौसम का बुखार हो जाता है। बुखार तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक ज्वर जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूड फीवर कहते हैं, और दूसरा रेमिटेंट फीवर जिसको हिंदी में स्वल्प विराम ज्वर कहा जाता है। इसके अलावा और भी बुखार के रूप हैं, जैसे टाइफाइड फीवर, मलेरियल फीवर, काला अजार, मिजल्स, डेंगू फीवर, परपरल फीवर जिसको सूतका ज्वर भी कहते हैं, हो जाता है। इन सभी बीमारियों का मैं एक सरल तरीके से इलाज बताता हूँ, जो कि मात्र 6 होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा आसानी से हम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ये जो 6 दवा है, इसी के द्वारा हम कोई भी फीवर का आसानी से 1-2 दिन के अंदर हम ठीक कर देते हैं। पहला है एकोनाइट, दूसरा है बेलाडोना, तीसरा है आर्सेनिक, चौथा रस्टक्स, पांचवा बेप्टिसिया और छठा यूपेटोरियम पर्फ। इन सभी मेडिसिन का हम 200 पावर का मेडिसिन लेंगे, 2 से कम बुखार में काम नहीं करता है। तो हम एक एक करके एक एक मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि कौन किस तरह के फीवर में कौन सा मेडिसिन हम चलाएंगे। सबसे पहला एकोनाइट, अगर हमें बुखार आ जाए और जल्दी जल्दी प्यास लगे और पानी अधिक मात्रा में पिए, वहाँ पर एकोनाइट 200 का प्रयोग हम करेंगे। इसको देने का तरीका है, चीनी का गोली आता है ग्लूबुल्स, उसमें बनवा लेंगे और 2-2 घंटा पर 5-5 गोली खाएंगे। दूसरा दवा है बेलाडोना। बेलाडोना में प्यास कम लगता है और ये अक्सर शाम से शुरू होता है। इस मेडिसिन को भी हम उसी तरह से 2-2 घंटा पर देंगे। तीसरा आर्सेनिक 200, ये दवा सुबह 11-12 बजे के बाद अगर किसी को बुखार आए या रात 9-10 बजे के बाद बुखार आए और प्यास अधिक लगे, थोड़ा थोड़ा देर में
थोड़ा थोड़ा पानी पिए, वहाँ पर आर्सेनिक 200 का हम प्रयोग करेंगे और हम देखेंगे कि इस तरह का कोई भी फीवर हो एक दिन में ख़त्म हो जाता है। चौथा है रस्टक्स। रस्टक्स का प्रयोग जहाँ नमी के चलते हो बुखार, पानी से भींगने पर हो जाए, वहाँ पर रस्टक्स 200 का प्रयोग करेंगे। पांचवा है बेप्टिसिया। बेप्टिसिया जो है मेडिसिन, यह रक्त के दूषित हो जाने पर और बदन में दर्द हो और कमजोरी महसूस हो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। और छठा है यूपेटोरियम पर्फ। इसका लक्षण है कि बुखार में हमारे सारे शरीर तथा हड्डियों में दर्द और बेचैनी हो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप इन छह मेडिसिन द्वारा आप किसी भी तरह के बुखार का इलाज आसानी तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और मैं प्रत्येक सप्ताह एक एक डिजीज बीमारी के बारे में बताऊंगा और उसका अगर जानकारी लेना है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।